सभी श्रोताओं को नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं अक्षय तृतीया के बारे में। बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया के नाम से जाना जाता है। वैदिक कैलेंडर में इसे सर्वाधिक शुभ दिन माना जाता है। अक्षय से तात्पर्य है जिसका कभी क्षय न हो, अर्थात जो कभी नष्ट नहीं होता। यह पर्व सौभाग्य और सफलता का सूचक भी है। अक्षय तृतीया को अखतीज या अखातीज भी कहते हैं। धर्म व मानव मूल्यों की रक्षा हेतु श्री हरि विष्णु देश काल के अनुसार अनेक रूपों को धारण करते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु ने परशुराम अवतार लिया था। भारतवर्ष में विभिन्नता में एकता पाई जाती है और यहाँ पर विभिन्न व्रत एवं पर्व मनाए जाते हैं। आज के दिन मनुष्य अपने या स्वजनों द्वारा किए गए जाने अनजाने अपराधों की सच्चे मन से ईश्वर से क्षमा प्रार्थना करें तो भगवान उसके अपराधों को क्षमा कर देते हैं और उसे सद्गुण प्रदान करते हैं। अतः आज के दिन अपने दुर्गुणों को भगवान के चरणों में सदा के लिए अर्पित कर उनसे सद्गुणों का वरदान मांगना चाहिए। प्रसिद्ध तीर्थ स्थल बद्री नारायण के कपाट भी इसी तिथि से ही पुनः खुलते हैं। वृंदावन स्थित श्री बांके बिहारी जी के मंदिर में भी केवल इसी दिन श्री विग्रह के चरण दर्शन होते हैं, अन्यथा वे पूरे वर्ष वस्त्रों से ढके रहते हैं। इस तिथि में शीतल जल, कलश, चावल, चना, दूध, दही आदि खाद्य व पेय पदार्थों सहित वस्त्राभूषणों का दान अक्षय व अमिट पुण्यकारी माना जाता है। सुख शांति की कामना से व सौभाग्य तथा समृद्धि हेतु इस दिन शिव पार्वती और नर नारायण की पूजा का विधान भी है। और जो लोग इस दिन देव स्थल पर व घर में ब्राह्मण द्वारा यज्ञ, होम, देव पितृ तर्पण, जप, दानादि शुभ कर्म करते हैं, उन्हें उन्नत व अक्षय फल की प्राप्ति होती है। सौभाग्यवती स्त्रियां और कुंवारी कन्याएं इस दिन गौरी माँ की पूजा करके मिठाई, फल और भीगे हुए चने बांटती हैं। गौरी की पूजा करके धातु या मिट्टी के कलश में जल, फल, फूल, तिल, अन्न आदि लेकर दान करती हैं। आज खरीदे गए वेश कीमती आभूषणों एवं सामान शाश्वत समृद्धि के प्रतीक है। इस दिन खरीदा व धारण किया गया सोना अखंड सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। इस दिन शुरू किए गए किसी भी नए काम या किसी भी काम में लगाई गई पूंजी में सदा सफलता मिलती है और वह फलता फूलता है। यह माना जाता है कि इस दिन खरीदा गया सोना कभी समाप्त नहीं होता, क्योंकि भगवान विष्णु एवं मां लक्ष्मी स्वयं उसकी रक्षा करते हैं। सरल शब्दों में कहें तो अक्षय तृतीया के दिन बिना पंचांग देखे सभी शुभ व मांगलिक कार्य, जैसे कि विवाह, संस्कार आदि, गृह प्रवेश, नवीन वस्त्र धारण करना, घर बनाना, भूखंड, वाहन, आभूषण खरीदना, नई संस्था का गठन करना, स्थापना या उद्घाटन का कार्य श्रेष्ठ माना जाता है। इसके अलावा पितरों को किया गया तर्पण तथा पिंडदान शुभ फलदायी होता है। इसके अलावा तीर्थ यात्रा, स्नान तथा भागवत पूजन से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसा भी माना जाता है कि इस दिन सोना, चांदी और अन्य कीमती धातु खरीदना बहुत ही शुभ रहता है। यह तिथि स्वयं सिद्ध मुहूर्तों में से एक मानी जाती है। इस बार अक्षय तृतीया के दिन खरीदारी करने का शुभ मुहूर्त इस प्रकार से होगा। अक्षय तृतीया है 14 मई 2021 को और पूजा का शुभ मुहूर्त होगा प्रातः 5:38 से दोपहर 12:18 तक, यानी कि इसकी कुल अवधि होगी 6:39। तृतीया तिथि प्रारंभ होगी 14 मई प्रातः 5:38 से और तृतीया तिथि समाप्त होगी 15 मई को प्रातः 7:59 पर।
तो आप इसी हिसाब से अपनी खरीदारी या अन्य जो भी आवश्यक संस्कार आदि कार्य शुभ कार्य जो करना चाहते हो इस मुहूर्त के हिसाब से कर सकते हैं। और यदि आप अन्य कोई जानकारी हमसे प्राप्त करना चाहते हैं तो आप किसी भी समय हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 8588009900। और इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.starstel.com। नई जानकारी के साथ पुनः हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।